नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई डिफरेंट स्टाइल में, जिसके लिए हमें चाहिए हमें केसर मिल्क, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया है। मलाई चाहिए, नारियल चूरा, थोड़ी शक्कर, बादाम को मैंने ग्राइंड करके रखा है 10 बादाम को, इलायची पाउडर, और ये 4 पीस लाई ब्रेड है जिसे मैंने सर्कल में काट के रखा है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, 1 से 1.25 चम्मच हमें गाढ़ी मलाई चाहिए। ये देखिए एकदम थिक होनी चाहिए। बाद हम इसमें 1 चम्मच नारियल चूरा मिलाना है, 1 चम्मच शक्कर मिलाना है हमें, इसे ज्यादा मीठा नहीं करना है। ये 2 चम्मच मेरा बादाम का चूरा है, इसे पूरा डाल देना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ये हमारा अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। ब्रेड लेना है, ब्रेड पे ये पूरा जो अपना पेस्ट है इसे स्प्रेड करना है अच्छे से। ये देखिए मैं अच्छे से स्प्रेड कर दिया है इसमें, और इसके ऊपर हमें एक और ब्रेड लगा देनी है और अच्छे से हल्के हाथों से इसे प्रेस कर। देखिए हम दूसरी ब्रेड में भी ऐसे अपना मसाला है जो इसे स्प्रेड करना है अच्छे से। जो ये मलाई और बादाम वाला अपना जो घोल था उसे मैंने ब्रेड में फैला दिया है। इसके ऊपर मैं दूसरी ब्रेड रखती हूँ और हल्के हाथों में इसे प्रेस करना है। ये हमारे पीस बनके तैयार हो गए हैं। जब हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे तो उससे खाने से 10 मिनट पहले जब हमें खाना खत्म हो जाए और मीठा लगाने की तैयारी हो जाए, तब हमें अपने ट्रे में ये पीसेस रखना है और ऊपर से डालना है, नहीं तो ब्रेड हमारा पूरा दूध सोख लेगी। देखिए मैंने ब्रेड के ऊपर हल्के से दूध डाल रही हूँ, ये मेरा केसर वाला दूध है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये डालना है धीरे धीरे। ये हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। इसे आप अपने घर पे बनाइए। और ठंड में ये रसमलाई हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये हैवी फूड होता है और ठंड में हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसे आप अपने जरूर घर पे बनाइए। और मेरे कोमल्स किचन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट का उसमें कमेंट दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो ये कोमल आप तक पहुंचा सके।